आज का टॉपिक है रात को पेड़ के नीचे सोना क्यों अच्छा नहीं होता। इसे समझने से पहले हमें फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट रेस्पिरेशन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेनली तीन कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर और तीसरा है सनलाइट। प्लांट्स की पत्तियों में टाइनी पोर्स मींस छोटे छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में एंटर करती है। प्लांट्स वाटर को अपनी रूट्स के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस वाटर को पत्तियों तक पहुँचा दिया जाता है। प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सभी कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मिलकर ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। इस रिएक्शन को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बना है वही प्लांट्स का भोजन होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनी है वो स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स ने अपना भोजन तो तैयार कर लिया है बट इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इस एनर्जी के द्वारा ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है ग्लूकोज जो कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार किया है। दूसरा है ऑक्सीजन जो कि स्टोमाटा के थ्रू पत्तियों में एंटर करती है। ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनाते हैं। इस रिएक्शन को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और एनर्जी प्लांट की ग्रोथ में यूज होती है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। अब बात करते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना क्यों अच्छा नहीं होता। दिन के समय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बट दिन के समय ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट पे डिपेंड होती है। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी बट रात के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता बिकॉज रात को सनलाइट मौजूद नहीं होती और हमें पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है चाहे दिन हो या फिर रात हो। रात के समय रेस्पिरेशन प्रोसेस के चलते रहने के कारण पेड़ के चारों तरफ ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जब हम रात को पेड़ के नीचे सोते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है बिकॉज जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें भी खुशी मिलती है और फिर हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।